खुद रेस्क्यू ऑपरेशंस की देख रहा था और अभी तकरीबन मनाली की तरफ से 2500 गाड़ियों को निकाल दिया गया है और तकरीबन 7000 के करीब और गाड़ियां वहां फंसी हुई है। ओवर टूरिज्म था और कसोल वाले एरिए से भी हमने तकरीबन काफ़ी लोगों को निकाल लिया है और जो तीर्थन वाला एरिया उसको भी हम वहाँ से भी काफ़ी टूरिस्टों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ भी हमने सभी मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब की ड्यूटी हमने लगा दी है। अब मेन मकसद क्या है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तो काफ़ी समय लगेगा, 80% हमारी पानी की योजनाएं बह गई है, सिंचाई की योजनाएं बह गई है, रोड्स को ठीक करने में समय लगता है, लेकिन पर्यटक निकल जाए उसके बाद हमारा ध्यान बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है। बिजली के अधिकारियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी रात मेहनत की है, बाहर से हम एक्स्ट्रा स्टाफ एक्स्ट्रा लेबर ला रहे हैं, बिजली के MD यहाँ बैठे हैं, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को यहाँ पानी के लिए बुलाया है, PWD मिनिस्टर्स को भी हमने सब जगह बोला है, सुंदर ठाकुर जी अपने इस कुल्लू मनाली और हमारे भुवनेश्वर गौड़ जी सब स्थिति पर जायजा रखे हुए हैं। खुशी इस बात की कि हम 50% पर्यटकों को निकालने में सफल रहे हैं और शाम 8 बजे तक हम 80% पर्यटकों को निकालने में सफल होंगे और बिजली के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, सड़क के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत नुकसान हुआ है, 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान का अनुमान अभी तक है और ये तो कम अनुमान है लेकिन आगे बढ़ सकता है। कल 4 लोगों को भेज दिया होमगार्ड के सेटेलाइट फ़ोन से भेज दिया, वहाँ 40 दुकानें और 30 घर बह गए हैं, उनको फौरी रात के तौर पर 1-1 लाख रुपया भेज दिया, खाने का सामग्री वहाँ भेज दिया और वहाँ सेटेलाइट फोन से कनेक्ट हो गया और मैं व्यक्तिगत तौर से सैंज के लोगों से भी मिलकर आया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ चंद्रताल में, क्योंकि वो सबसे बड़ा हमें सड़क खुलानी है और हमारे 2 मंत्री चंद्रताल पहुँचेंगे आज, जिसमें हमारे जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी जो है वो चंद्रताल में ही टूरिस्टों के साथ स्टे रहेंगे। मैंने उन्हें ये दिशा निर्देश दिए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को यहाँ पानी की सप्लाई के दिशा निर्देश दिए हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में हेल्थ मिनिस्टर को जो हेल्थ से संबंधित है सभी दिए हैं, रोहित ठाकुर जी हमारे वहाँ पूरे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इन सब चीज़ों का हमने अपने ऑफिसर्स लेवल और राम स्वाग सिंह जी को रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशंस का कोऑर्डिनेट नियुक्त किया है, तो सब चीज़ों को देख रहे हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि इससे पहले छोटी सी बारिश भी हो जाती थी 15-15 दिन लग जाते थे, अभी हमने स्थिति से सबसे बड़ी 50 साल की आपदा है, हमने 18 घंटे बारिश रुके हुए है, 18 घंटों में हमने युद्ध स्तर पर जो कार्य किया, मैं सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। अस्पताल से अब हमने ये कहा है कि हमें अब मशीनें पहुँचानी है, मेरे मिनिस्टर्स वहाँ जा रहे हैं, अभी जो हमारे पास जो आर्थिक हमारे अपने स्रोत है उसके द्वारा आर्थिक सहायता की जा रही है, जो हमारे पास अपने बजट से हम स्कीमें काट कर अपनी आर्थिक सहायता की जा रही है और जब हम स्थिति का आंकलन करेंगे तो केंद्र सरकार से हमने अनुरोध किया कि तुरंत तत्काल हेलीकॉप्टर की हमने मांग की है, लेकिन उतर नहीं पाएगा चंद्रताल में, हेलीपैड ही नहीं है, क्योंकि कल जब 7 लोगों को लेकर आया पहली बार गया तो वापिस आ गया, दूसरी बार उतर नहीं पाया क्योंकि 3 फुट बर्फ है और वहाँ और एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो मैं इसीलिए चंद्रताल की रैकी पर जा रहा हूँ और खुद देख के फिर वापस कुल्लू आऊँगा और फिर मैं मनाली जाऊँगा और चंद्रताल से मैं सिसु जाऊँगा, मैं सब जगह रहूँगा और मैं यहाँ अभी रहकर ये अभी और कार्य देख रहा हूँ। तकरीबन 30,000 से 40,000 के बीच टूरिस्ट निकले, गाड़ियों हमने गाड़ियों के हिसाब से अंदाजा लगाया है।